नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बिल्कुल महत्वपूर्ण खास वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह थोड़ा सा क्या होगा, आपके यानी कि 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर उठ के है। क्यों ऊपर उठ के है आप देखेंगे। जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा वह आपके बुक में कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन उसके ऊपर आपके बुक में सवाल दिया गया है। तो यदि सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप समझिए कि पहले आप थोड़ा सवाल देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा क्या आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो पहले देखिए, तो आपने अभी तक जो सीखा है त्रिकोणमिति में, क्या सीखा है कि आप त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है साइन कॉस टेन और बाकी तीन उसका भाई जो होता है, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू देखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का आपने वैल्यू देखा था, ठीक है। लेकिन उससे हट के यदि कोई वैल्यू आ जाए तब आपका दिमाग चकराने लगा। तो पहले थोड़ा देखते हैं। जैसे देखिए, यदि एक सवाल आपके पास रहेगा साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 और साइन 60, कहेगा इस सवाल का वैल्यू यानी कि मान निकाल के दिखाइए। तो ऐसे सवाल में तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। आप इसको जब रख दीजिएगा तो आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, सेम यदि यही सवाल रह जाए आपको, ठीक है, यही सवाल आपको रह जाए और इस सवाल में यहाँ पर दे दे कितना 15 डिग्री, यहाँ पर दे दे आपको 10 डिग्री, फिर यहाँ पर दे दे 15 डिग्री, यहाँ पर दे दे 10। तो अब आपको क्या हुआ, अब आप इस सवाल को देखिए। जैसे सवाल आपका क्या है, सवाल अच्छा से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। सवाल आपका है कि साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री का मान बताइए। तब आपका दिमाग चक्कर खाने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ना 10 डिग्री का वैल्यू याद किया है ना 15 डिग्री का वैल्यू याद किया। तो इसके लिए सबसे पहले इस सवाल का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या हो सकता है। ए में हो सकता है इसका आंसर साइन 10, बी में हो सकता है कॉस 15, सी में इसका ऑप्शन है साइन 25 और डी में इसका ऑप्शन है कॉस 25, ठीक है। ऑप्शन आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, दिखने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने जो देखा है या 15 डिग्री और 10 डिग्री इसका वैल्यू आपको याद नहीं है, तो इस सवाल का ऑप्शन भी आपको वैसे ही देगा कि आपको वैल्यू याद रहे नहीं रहे, ऑप्शन भी वैसे ही। देखिए 10 है, 15 है, 25 है, आपको ऑप्शन का भी वैल्यू नहीं याद है। तो आपको बिना इस टेक्निक को सीखे, जो टेक्निक अभी आपको सिखाया जा रहा है, बिना उसके सीखे आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते। अंदाजी कीजिएगा तो गलती हो सकता, मैं भी सही हो गया तो आप खुश हो जाइएगा, इसलिए एकदम गलत नहीं होना चाहिए, वो आप सीखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, माने याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप देखेंगे कि आपका जो इससे पहले सवाल मैंने लिखा था 30-60 वाला, वह भी सवाल कैसे कितनी आसानी से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको फॉर्मूला लिखिए। तो देखिए, आपको यह साइन 15 और कॉस, देखिए साइन से सवाल शुरू हो गया, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखिएगा, यह फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। देखिए थीटा के जगह ए प्लस बी लिखा हुआ, इसका जो वैल्यू होता है वह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
cos a into sin b, ठीक है, sin a into cos b plus cos a into sin b, यानी कि आप देख सकते हैं सवाल का फॉर्मेट ये है जो यहाँ लिखा हुआ है इस साइड में राइट हैंड में, तो इसका आंसर जो होगा वह लेफ्ट हैंड वाला sin a plus b होगा, यानी कि जब a और b के जगह पे आप इस सवाल से इसे कोरिलेट कीजिए, ऐसा फॉर्मेट है a और b के जगह पे क्या लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा साइन 15 प्लस 10, इसका मतलब हो गया साइन 25 डिग्री, और साइन 25 डिग्री ऑप्शन किसमें है, सी में, ठीक है। तो अब आप जब इस बात को सीख गए तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो आपका सवाल क्या था वह देखते हैं, जो शुरू में मैंने दिखाया था जिसका आपका वैल्यू याद था, तो देखिए वह सवाल भी कितना करना आसान हो गया। जब आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो उस समय उस सवाल को करना थोड़ा सा कठिन था, अभी देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। यही सवाल आपका क्या था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे था 30 और यहाँ पे था 60, यहाँ पे था फिर से 60 और यहाँ पे था 30, साइन ए इंटू कॉस बी फिर कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यहाँ पे होगा कॉस 30 और साइन 60, ठीक है, ऐसा ही सवाल आपके सामने था, ठीक है। तो अब देखिए देखिए एकदम ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे आपको सवाल सजा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, देखिए ए के जगह पे आपका 30 है, बी के जगह पे आपका 60 है, फिर ए के जगह पे 30 है, बी के जगह पे 60 है, तो आप जान रहे ऐसा फॉर्मेट का सवाल है, इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, इस फॉर्मेट में होगा। आप इस फॉर्मेट में जब रखिएगा ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे 60, इसका वैल्यू कितना आ गया साइन 90, और इसके ऑप्शन में आपको रह सकता है, देखिए साइन 90 नहीं देके इसके ऑप्शन में 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा और 1 भी दे सकता है। तो इस कंडीशन में आपको पता करना होगा साइन 90 आपने याद किया 1 होता है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप अभी देख लिए कि थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग करेंगे, तो उस फॉर्मूला पर यदि सवाल आता है तो फटाक से हम इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप इस बात को सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला है वह सिर्फ आप ध्यान दें, आपने अभी क्या सीखा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता। अब इस सवाल पे यदि आपको वैल्यू याद वाला हो तो भी, अब वैल्यू याद वाला नहीं हो तो भी आप इस फॉर्मेट पे सवाल को ऐसे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से आपको मैं सवाल थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। और सवाल में क्या होगा, यहाँ पे 60 देता हूँ, यहाँ पे 30 देता हूँ, माइनस फिर यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके सवाल का फॉर्मेट क्या हो गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो देखिए जैसे यहाँ माइनस आ गया कुछ नहीं होता है, जैसे आपने प्लस वाला फॉर्मूला देखा वैसे ही माइनस वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि नया फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी, इसके जो बराबर होता है वह कुछ नहीं होता है, सेम ऐसे ही साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपने क्या देखा, यदि इस सवाल में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि इस सवाल में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन में आपको रह सकता है एक, एक बटा दो, रूट थ्री बाई टू और टू बाई रूट थ्री, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस सवाल का जो फॉर्मेट है आपको साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट का है, तो अब आप इस फॉर्मेट पे यूज कर सकते हैं। तो ए के जगह पे 60 और बी के जगह पे 30 है, तो आप साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, इस सवाल का आंसर 60 माइनस 30 लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ साइन 30, इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू होता हाफ, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ठीक है।
ये बात समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे टेक्निक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा डाला गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या, ध्यान से आप देखिए। तो अभी आपने क्या देखा, आपने दो फॉर्मूला देखा, साइन ए प्लस बी, फिर आपने देखा साइन ए माइनस बी। तो ऐसा ही फॉर्मूला किसमें हो सकता है, कॉस में हो सकता है। तो मैं फिर से एक सवाल लिख देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल जो है वह क्या है। तो अब आप सवाल देखिए, सवाल आपका क्या दिख रहा है, कॉस 30 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60। मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, यहाँ पे 60 देना चाहिए हमको, यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30। ठीक है, अब आप सवाल देख रहे हैं कि कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 है। तो ये तो हो गया कि आपको वैल्यू याद है, तो आप बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी इस सवाल का आंसर बना सकते हैं। लेकिन जब यहीं पे ये सवाल आपका हो जाए, मैं सवाल लिख ही देता हूँ, एक वो हुआ और दूसरा सवाल फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस फिर साइन 25 डिग्री इंटू साइन 10। ठीक है, तो अब आप इस सवाल का देख सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया अच्छी तरह से। अगला जो फॉर्मूला होता है वह आप ध्यान से देखिए। अगला फॉर्मूला जैसे कॉस में सवाल है, तो कॉस का फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, अब यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा, आपने जो देखा हुआ क्या देखा, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू, ये मतलब फॉर्मूला समझ लीजिए, इसके बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी कि इस फॉर्मेट का आपको सवाल दिख जाए, जैसे ही आपको इस फॉर्मेट का सवाल दिख जाए, तो आपको समझ जाना है इस फॉर्मेट के बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। तो आप इस सवाल को देख रहे हैं, ऊपर में क्या देख रहे हैं, कॉस 60, यानी कि ये हुआ ए, ये हुआ आपका बी, तो ए प्लस बी होगा इसका। ध्यान दीजिए, साइन में आपने क्या देखा था, साइन में यहाँ पे रहता था माइनस, तो होता था ए माइनस बी, और जब होता था यहाँ पे प्लस, तो होता था ए प्लस बी। और कॉस में क्या होता, थोड़ा सा उल्टा होता, यानी कि सवाल में यहाँ माइनस है तो इसका फॉर्मूला प्लस वाला होगा, और जब प्लस वाला हम देंगे तो यह क्या होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, तो अभी आपको माइनस वाला दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा बराबर हो जाएगा कॉस 60 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 60 प्लस 30 हो जाएगा। इसका मतलब 60 प्लस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कॉस 90 रहे तो भी आंसर है, और नहीं तो आपने याद किया कि कॉस 90 बराबर होता है 0 डिग्री नहीं 0 होता है, तो 0 इस सवाल का आंसर हुआ। और दूसरा जो ये है, तो आप इसके लिए वहाँ फॉर्मूला यूज करिएगा कि सेम ऐसा ही कंडीशन होगा, जब यहाँ माइनस है तो आपने प्लस का फॉर्मूला लिया, जब आपको यहाँ पे सवाल बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सवाल का फॉर्मूला का सवाल का जो फॉर्मूला हो वह माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर साइन ए इंटू साइन बी। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला के फॉर्मेट पर ये सवाल आपका है, इसके लिए
आपको याद रखना है कि आपको होता क्या, यहाँ जब प्लस होता है तो फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ जब माइनस होता है तो फॉर्मूला में प्लस होता है, साइन में बिल्कुल इसका विपरीत होता है। और साइन में क्या होता था, इधर एक कॉस होता तो एक साइन होता, इधर भी एक कॉस एक साइन होता, लेकिन कॉस में शुरू में ही दोनों कॉस होता है बाद में दोनों साइन होता है, शुरू में दोनों कॉस होता है बाद में दोनों साइन होता है, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मेट पे सवाल है, आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी इस सवाल का आंसर होगा 60 में से 30 गया तो cos 30, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा cos 30, cos 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होगा, cos 30 का मतलब होता है sin 60 यानी कि √3/2, ठीक है। और इसका क्या होगा, फिर 25 में से 10 जाएगा तो 15 होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा तब माइनस वाला होगा, तब इस सवाल का यानी अब इस सवाल का आंसर क्या होगा, यह होगा cos 25 माइनस 10 यानी कि cos 15। जब यहाँ पे इसके पहले था तो क्या था, माइनस था, तो दोनों थीटा प्लस हो जाएगा यानी a प्लस b हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लस है तो a माइनस b हो जाएगा यानी cos 15 डिग्री सवाल का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा है तो आपने क्या देखा, साइन देखा फिर कॉस देखा, इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और सभी को एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन हो गया कॉस हो गया, इसी प्रकार से आपका टेन भी होता है, तो टेन के लिए देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब देखेंगे आपका जो सवाल है वह सवाल देखते हैं, तो टेन 30 प्लस टेन 60 बटा में 1 माइनस 10 30 इंटू 10 60, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देख रहे हैं, दूसरा सवाल यहीं पे आपका मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा सवाल हो सकता है 10 20 डिग्री और 10 10 डिग्री, नीचे हो सकता 1 माइनस 10 20 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए कि अब आपके सामने जो ये सवाल है इसमें तो 30 और 60 है, तो आप 30 और 60 का वैल्यू रख के सवाल को बना सकते हैं जो कि आपने याद किया है। लेकिन जो दूसरा सवाल इसी में है 10 20 10 10, तो ना आपको 10 20 का वैल्यू याद होता ना 10 10 का, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो एक फॉर्मूला आपका क्या है, यह फॉर्मूला आपका है 10 a प्लस बी का, ठीक है। तो 10 a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है या इसी फॉर्मेट पे होता है, इसको ध्यान से देखिए, यह होगा 10 a प्लस 10 b बटा में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ये 10 a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। आप देखिए इस फॉर्मेट में सवाल है, इस फॉर्मेट में सवाल है, इसका आंसर a प्लस बी यानी 10 a प्लस बी होगा, यानी जब इस सवाल को बनाएंगे आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आंसर इस सवाल को देखें कि इसका आंसर आपका हो गया 10 30 प्लस 60 यानी कि 10 90 डिग्री, इसका मतलब होता इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित भी इसको किसी किसी किताब में लिखा गया और इनफाइनाइट भी लिखा गया, वास्तव में इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, ठीक है, यानी ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया ये वाला इनफाइनाइट। अगले सवाल जो है 20 और 10, इसका आपको वैल्यू नहीं याद है, तो उस सवाल को बनाने के लिए आप फिर ऐसे ही लगाएंगे, इसका मतलब फिर से देखिए सेम प्रोसेस में है, यानी कि सेम फॉर्मेट में सवाल है, तो 20 10 कितना हुआ 30 हो गया, तो इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इस सवाल को जब मैं बनाऊंगा यह होगा 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का आपको क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर होता 1/√3, तो यह इस सवाल का आंसर है 1/√3, ये बात आप समझ गए। इसी प्रकार इसी तरह आपको क्या कर देंगे, सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां 60 दे देंगे, यहां पर
30 दे देंगे तो फिर यहाँ पे इनटू में तो उल्टा पुल्टा चलेगा, लेकिन वहाँ प्लस माइनस में, प्लस माइनस में भी चलता है, ठीक है, यहाँ नहीं चलता, ठीक है, यहाँ पे 30 दे दिया, ठीक है। और ये सवाल, ठीक है, ऐसे ही रखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। तो जैसे आपने अभी क्या देखा, अभी जो इसके पहले था वहाँ पे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज हुआ। उसी प्रकार जब आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यानी कि उलट गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में थोड़ा सा अंतर हो गया, यानी कि अब जो नया फॉर्मूला हो गया है वह आप ध्यान से देखिए, वह जो हो गया है टेन ए माइनस बी का हो गया। क्या हो गया, टेन ए माइनस बी का। तो आप देख सकते हैं टेन ए माइनस बी पे क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। तो अब आप जो देख रहे हैं, ये जो सवाल है, आप सवाल देखते के साथ इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 60 में से 30 जाएगा 30, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10 30, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 10 30, और 10 30 बराबर होता है 1/√3 हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर होगा 20 में से 10 गया 10, और 10 10 होगा, 10 10 डिग्री, और 10 10 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू कहीं पे नहीं याद लोग करता है, तो ऑप्शन में भी आपको 10 10 डिग्री मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी आपने 6 फॉर्मूला सीखा, और फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल आएगा, यानी कि फॉर्मेट देखते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए, इस फॉर्मेट पे ये फॉर्मेट यूज कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। तो फिर से एक बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, सवाल मैं लिखता हूँ तब आप समझ जाइएगा, ठीक है। सवाल आपका आएगा 2 sin 30 degree इंटू cos 30 degree। तो अब देखिए ये सवाल आपका है 2 sin 30 degree इंटू cos 30 degree। यही जो दूसरा सवाल, इसका मैं एक नंबर, और यहीं पर जो दूसरा सवाल लिख देता हूँ, यह मैं सवाल लिख रहा हूँ 2 sin 15 degree इंटू 15 है इंटू cos 15 degree, ऐसा सवाल लिख दिए, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे होंगे, यह जो सवाल है, आप 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख के बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 15 का वैल्यू आया, ना आपको sin 15 का वैल्यू मालूम होता है, याद होता है, ना ही cos 15 का, यहाँ पे कुछ भी डाटा जो नहीं याद होगा। तो अब देखिए कि इसके लिए एक फॉर्मेट आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे sin 2a, नहीं, यानी कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसा ये फॉर्मेट है सवाल मेरा, वैसा है इस सवाल का आंसर, ऐसा होगा sin 2a। तो a के जगह पर आपका 30 है, इस पूरे सवाल का आंसर हो जाएगा sin 2a, यानी कि 2 में a से गुना होगा तो sin 60 होगा, यानी कि इस सवाल को जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो इस सवाल का आंसर इस फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि ऐसे ही बने, आप कुछ भी डेटा वैल्यू रख के बनाइए तो भी सेम आंसर आएगा, ये फॉर्मूला रख के बनाइए तो भी सेम आंसर आएगा। तो जैसे फॉर्मूला हमने देखा तो डायरेक्ट हमको पता चल गया, उंगलियों पे, चुटकियों पे इस सवाल का आंसर दिया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री का या तो वैल्यू दे सकता, 60 डिग्री का वैल्यू होता है इसलिए आपको वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 sin में, ठीक है। अब जैसे ये 15 वाला है, ठीक है, तो 15 वाला के लिए आपको वैल्यू नहीं याद होता, तो फिर से यही फॉर्मेट आप देख सकते हैं, 2 sin into cos a का फॉर्मेट है। तो इस सवाल का जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका भी आ जाएगा साइन कितना, 15 × 30 degree, और 30 का वैल्यू कितना होता है आपको, हाफ, ठीक है, समझ गए हैं। तो दोनों बात आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो साइन 2a भी समझ गए। अब अगला देखते हैं कि टेन 2a क्या, ठीक है। तो 10 पर फॉर्मूला सवाल होगा, इसको मिटाते हैं।
तो अब आप एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है। तो आपका सवाल है 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 - 10² 30 डिग्री, ठीक है। एक सवाल ये है। अगला सवाल आपका दूसरा नंबर जो सवाल है वह क्या है, आपको लिख देता हूं। यह है 2 10 20 डिग्री बटा में 1 - 10² 20 डिग्री, ठीक है। तो अब आप इस दोनों सवाल को देखिए। तो एक नंबर सवाल में देखिए 10 30 है, तो आप 10 30 का वैल्यू रख के बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे नंबर सवाल पर जाते हैं तो 10 20 और 10 20 है, तो आप इसको 10 20 का वैल्यू आपको नहीं आता। आपको बताया गया कि आज जो भी सवाल होगा, यानी कि ऐसा सवाल होगा जिसका वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला से हम इस सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए 2 10 a यानी 30 को a बोले, तो 2 10 a बटा 1 - 10² ये दिख रहा, यहाँ भी वही दिख रहा। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, रटना मारना पड़ेगा। तो 10 2 a बराबर होता है 2 10 a बटा 1 - 10² a, ठीक है। तो यानी कि सवाल का फॉर्मेट आपका ये है, तो आंसर का फॉर्मेट ये होगा। तो जब आप इस सवाल को बनाइएगा, इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो ऑप्शन में 10 60 भी हो सकता है, और नहीं तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है। यह दोनों आपके ऑप्शन में हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, अभी तुरंत आपने देखा इसमें से इसको गुना किया 30 में से 2 60। तो इस सवाल का जो आंसर होगा यह होगा 10 40 डिग्री, और ऑप्शन में 10 40 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप सीख गए हैं, तो आगे चलते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। तो आगे आप देखिए, आगे आपका क्या है सवाल, आगे सवाल आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेम ऐसा ही सवाल आपको दिखेगा, यहाँ बदल क्या जाएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी कि सवाल का फॉर्मेट देखिए सेम यही चीज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, यहाँ पे था माइनस तब हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है माइनस ये हो जाएगा प्लस। यानी कि जैसे ही आपको फॉर्मेट दिख जाए 2 10 a बटा 1 + 10² a, जब यहाँ माइनस था तो आप देखिए कि 10 में ये फॉर्मूला हुआ 10 2 a, जब यहाँ प्लस है तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। अब ध्यान से दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, जैसे यहाँ प्लस होगा यह हो जाता है, यह हो जाता है साइन 2 a बराबर क्या होता है 2 10 a बटा में 1 + 10² a, ठीक है। तो अभी इसके पहले आपने साइन 2 a का एक और भी फॉर्मूला देखा था, जो आपको मैं एक बार और लिख देता हूँ। इसके बराबर ये भी होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, यानी साइन 2 a बराबर यह भी सही है, यह भी सही है। मतलब इस फॉर्मेट में आए तो भी इस फॉर्मेट में आंसर होगा, इस फॉर्मेट में आए तो भी इस फॉर्मेट में आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे अब आप इस फॉर्मेट में सवाल को देख रहे हैं, इसका आंसर कितना होगा, साइन जैसे प्लस यहीं पर माइनस रहता तो यह 10 में हो जाता, यहाँ जब प्लस है तो यह साइन में होगा। तो इस सवाल का अब यहाँ प्लस हो गया, अब इस सवाल का आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका होगा साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सभी फॉर्मूला को खाली एक साथ लिख देता हूँ, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या आज पढ़ाया गया है। तो आपको पढ़ाया गया है सबसे पहला आपको पढ़ाया गया है साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बराबर आपने पढ़ा, आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, यहीं पर अगला आपने जो पढ़ा है वह आपने पढ़ा है साइन ए माइनस बी। इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, इसके लिए आपने पढ़ा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यही पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। इसके लिए आपने पढ़ा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस आपने क्या पढ़ा है साइन ए इंटू साइन बी। फिर से अगला आपने क्या पढ़ा है कॉस ए माइनस बी, तो इसके लिए क्या पढ़ा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा पढ़ा है आपने। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, अगला आप ध्यान से देखिए आपने क्या पढ़ा है टेन, टेन ए प्लस बी। इसके लिए आपने पढ़ा है टेन ए प्लस टेन बी बटा, यही पढ़े हैं आपने टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला आपने क्या पढ़ा है टेन ए माइनस बी बराबर, आपने पढ़ा है बराबर में आपने पढ़ा है टेन ए माइनस टेन बी बटा में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो आप अभी क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, इन सभी का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब आपको साइन टू ए और फिर एक से टेन टू ए यह आपको देखा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए अच्छी तरह से। ठीक है, तब आगे आपने क्या पढ़ना है साइन टू ए, ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ना है। तो साइन टू ए का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, इसका होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा ही होता है। एक देखिए अभी साइन टू ए के लिए मैंने एक अभी और फॉर्मूला आपको दिखाया था। ठीक है, यानी कि साइन टू ए बराबर होता है टू टेन ए बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यह भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहीं पर आप क्या करेंगे, इस प्लस के जगह पे जब माइनस हो जाएगा यही फॉर्मूला हो जाता है टेन टू ए का, नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपको टेन टू ए बराबर होगा टू टू टेन ए बटा में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल जिसमें डिग्री ऐसा दिया रहे जिसका डिग्री का वैल्यू हमने याद नहीं किया, किसी बुक में याद नहीं कराया गया है, तो ये सब टेक्निकल सवाल थे, जैसे 20 डिग्री 25 डिग्री 15 डिग्री, इसका जब भी सवाल आए तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी फॉर्मूला पे सेट होता है। ठीक है, तो आप उस सवाल को देखेंगे और ध्यान से आप ये सभी फॉर्मूला देखेंगे कि कौन फॉर्मूला यूज में आएगा, उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।